Hello guys, welcome back. I'm uploading this video after almost 8 to 9 days. So welcome back. So in today's video हम ये टीवी यूनिट जो देख रहे हैं ना उसे मेक ओवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इसका अभी का कंडीशन क्या है. तो ये लगभग मेरा टीवी यूनिट अभी इसको हो गए 4-5 साल और अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है. तो जस्ट वांटेड टू कीप दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हूँ मैं लिविंग रूम में, तो इसीलिए इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंट. तो ये सनमाइक का है, उसके ऊपर लैमिनेट चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा सैंडिंग. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 180 नंबर वाला सैंड पेपर. किसी भी पेंट शॉप में आप ये नंबर का सैंड पेपर आप मांग सकते हैं. जब ये काम करते हैं ना तो बहुत बुरा लग रहता है, क्योंकि इतना अच्छा टीवी यूनिट को हम इस तरीके से घिस के ख़राब कर रहे हैं. लेकिन ये जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैमिनेट के ऊपर पेंट करना है तो वो टिकने के लिए हमें ये स्टेप करना ज़रूरी है. तो ये स्टेप मैंने कर दिया है. अब इसके बाद मैं इसको गीले कपड़े से वाइप कर दूंगी और सूखने देंगे. तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. फिलहाल मैंने इसके जो भी हार्डवेयर से वो सारे निकाल के एक डब्बे में रख दिए ताकि वो गुम ना हो जाए. अब यहाँ पर हम पहला वुड प्राइमर यूज़ करेंगे. मैं एशियन पेंट का वुड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. तो इतना आधा लीटर का बॉटल मैंने लिया था, तो वो काफ़ी है. एक्चुअली इसमें सब बचा हुआ है जो प्राइमर है. और रोलर लिया है मैंने. रोलर से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी काम हो जाता है. और ब्रश स्ट्रोक, अगर आप ब्रश लेते हैं तो ब्रश स्ट्रोक्स दिखते हैं, लेकिन रोलर से काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है. और सनमाइका है, सॉफ्ट है, तो उससे अच्छा रोलर से बहुत अच्छे से और फास्ट काम हो जाता है. जो भी विजिबल एरिया है वहाँ पर ही मैं पेंट करने वाली हूँ. जो कबर्ड साइड में दो है वहाँ पर मैं कलर नहीं करूँगी अंदर की तरफ, क्योंकि वो हमेशा बंद ही रहता है, कुछ सामान रहता है. तो जो ग्लास वाला पोर्शन था वहाँ पर शेल्फ था, वो मैंने निकाल के वहाँ पर भी मैंने प्राइमर कर लिया है. तो ये देखिए, कुछ जो भी पार्ट्स दिखने वाले हैं वहाँ पर मैंने इस तरीके से प्राइमर कर दिया है और बाद में से सूखने के लिए छोड़ दिया था ओवरनाइट. अब जो हम करेंगे ये इनामल पेंट है और ये है सैटिन फिनिश में, मतलब पूरा मैट भी नहीं है और ग्लॉसी नहीं, सैटिन फिनिश, बहुत अच्छा दिखता है. और ये वाइट शेड में है. और पूरा प्राइमर सूखने के बाद हम फर्स्ट कोट देंगे ये कलर का. तो मुझे बहुत ऑब्सेशन है वाइट कलर से, वाइट फर्नीचर से. तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ वाइट कलर यहाँ पर. आपका मनपसंद कलर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक किया, मेरे पास पेंट वाला वो ट्रे नहीं था, तो मैंने जो तो कुछ जुगाड़ करके मैंने यहाँ पर रोलर को एक्स्ट्रा पेंट निकालने के लिए यूज़ किया है. और कम पेंट लेके रोलर से इस तरीके से अच्छे से ये करना है, पेंट देना है. अब इसको सूखने देना है पूरी तरह 6 to 8 आवर्स और उसके बाद हम सेकेंड कोट करेंगे. अब यहाँ पर जो ग्लास डोर्स थे बॉक्स को भी मैं मेकओवर करूँगी. प्लेन अच्छा नहीं दिख रहा था, तो सबसे पहले ग्लास को मैंने क्लीन कर लिया है. और उसके बाद मेरे पास ये वाइट वॉलपेपर है, बहुत ही थिन है, तो इसको मैं लगा दूँगी. और यहाँ पर हम एक पैटर्न बनाएंगे, तो अच्छे से बबल्स निकाल के आपको ये करना है. तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लेके उसके बबल्स अच्छे से निकाल के कर लिया. ये मैंने पैटर्न निकाला था और वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके ले रही हूँ. तो 1 इंच की स्ट्रिप्स इस तरीके से मैं पैटर्न बना रही हूँ और सिमेट्रिकल होना चाहिए दोनों डोर्स के, इस तरीके से मैंने ये बनाया है. अब यहाँ पर मैं कट करूँगी, तो 1 अल्टरनेट जो स्ट्रिप्स हमने ड्रॉ किए हैं वो हम यहाँ पर निकालेंगे. तो यहाँ पर मैं प्रिसीजन नाइफ ले रही हूँ, क्राफ्ट नाइफ भी बोल सकते हैं आप इसे, तो उससे मैं इजीली इसको कट कर सकती हूँ और ये बहुत ही अच्छे से निकल जाता है. तो ये देखिए, अब ये हम स्ट्रिप यहाँ से निकाल लेंगे. जब ये स्ट्रिप निकाल देना बहुत ही अच्छा लगता है, सैटिस्फैक्ट्री फीलिंग आता है.
तो इसी तरीके से अल्टरनेट जो भी स्ट्रिप्स हमने पैटर्न ड्रॉ किया है ना, उसी हिसाब से मैं ये स्ट्रिप्स निकालते जाऊंगी और बहुत ही खूबसूरत सा एक पैटर्न बन जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये डोर के ऊपर पेंट किया हुआ है। तो पेंट करने से अच्छा है कि हम ये इस तरीके का वॉलपेपर लगा सकते हैं। और ये वॉलपेपर बहुत ही सस्ता मैंने अमेज़ॉन से लिया था, कुछ 150 रुपीज़ का रोल था और इसका मैं बहुत जगह पर यूज़ करती हूँ। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो बॉर्डर मैंने पूरा एक बॉर्डर छोड़ दिया था, क्योंकि जो स्ट्रिप्स हम निकाल रहे हैं वो एंड तक निकालेंगे तो वो निकल जाएगी, इसीलिए मैंने एक बॉर्डर रखा है वही वॉलपेपर का। और जहाँ पर भी हमने निकाला है वहाँ पर थोड़ा सा कपड़े से क्लीन करना है, ताकि अगर कुछ भी गम उसका रह चुका है तो वो निकल जाएगा। इसी तरीके से मैंने पूरे डोर के ऊपर, दोनों डोर के ऊपर ये पैटर्न बना के लिया है। अब इसको जो भी फिटिंग्स हमने निकाली थी वो मैं ज्वाइन कर दूंगी और कुछ इस तरीके से हमारा ये टेबल दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं थोड़ा स्टाइल करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लव का साइन बोर्ड जो मैंने DIY कार्डबोर्ड से बनाया था वो रख दिया, वुडन ट्रे और उसी के साथ कुछ DIYs, और यहाँ पर मैंने बुक रखने के लिए जो कार्डबोर्ड से मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया था वो भी रख दिया है, और ये छोटे से क्यूट से प्लांटर्स जो हमने प्लास्टिक कंटेनर से बनाए थे। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये TV यूनिट रेडी हो चुका है। ये एक्चुअली मैंने दिवाली के पहले ही बना के रेडी कर लिया था, लेकिन इसको मैंने वीडियो को एडिट करने में टाइम नहीं मिला। होप आपको ये जो भी डाउट्स होंगे लैमिनेटेड फर्नीचर को पेंट करने के लिए तो वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल बी नोटिफाइंग फॉर माई न्यू वीडियोज़। सो टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।